आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। दिल्ली में शराब घोटाले की आंच आखिरकार आप सांसद संजय सिंह तक पहुंची गई। ईडी की टीम ने संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और ईडी की टीम के साथ घर से बाहर निकल आए। इस दौरान वहाँ सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संजय सिंह ने हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया तो आप कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए। हालांकि सुबह से जारी छापेमारी के बीच संजय सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात था, जिनकी मदद से ईडी की टीम ने संजय सिंह को गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गए। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले शराब घोटाला केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को 9 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 13वें आरोपी हैं। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से संजय सिंह का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मरना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। वहीं संजय सिंह के घर पर देर रात तक पार्टी नेताओं का पहुंचना जारी रहा। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए साजिश का आरोप लगाया। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले के दोषी एक एक कर सामने आ रहे हैं और जल्द ही अगला नंबर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी हो सकता है। सत्येंद्र जैन 15 महीने से जेल में, कोर्ट कह रही कि बेल नहीं मिल सकता, ये अपराधी है। मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में, कोर्ट कह रही इनको बेल नहीं मिल सकता क्योंकि इनके दोष हैं। और अरविंद केजरीवाल इन दोषियों को तरह तरह से बचाने में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हो इन अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के, आप इस्तीफा दो ताकि हम दिल्ली के विकास कार्य को चला सके। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन भी बौखलाया हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे काले दिन की शुरुआत कहा, वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो कल, वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसी भी खुद जांच के घेरे में आ गई हैं। मैं संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे, जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। फिलहाल संजय सिंह को ईडी दफ्तर के लॉकअप में रखा गया है, जहां बीती रात राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका मेडिकल चेकअप भी किया और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। मगर एक एक कर अपने सांसद और मंत्रियों की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। जाहिर है कल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज का दिन भी बेहद हंगामेदार होने वाला है। दिल्ली से राजू राज, जितेंद्र शर्मा और बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।